अस्सलाम वालेकुम। आज हम आलू समोसा रोल बनाने हैं वाले हैं। चलिए मेरे किचन में आज इफ्तारी स्पेशल क्या बनाने वाले हैं दिखाती हूँ मैं। इसके अंदर एक बाउल ले लेंगे हम। एक बाउल के अंदर एक कप आटा, आई मीन इसका मतलब होता है कि 250 ग्राम आटा। 250 ग्राम आटे में हम उसमें एक चम्मच तेल डालेंगे और एक चम्मच हमारे स्वाद के हिसाब से नमक डाल लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, मुट्ठी ऐसा दबा दबा के देखना हमारा मिक्सर बराबर है या नहीं है। और थोड़ा थोड़ा करके पानी हम इसके अंदर ऐड करते हुए इसको अच्छी तरह से मसल लेंगे। अच्छी तरह पानी हमको एक साथ में नहीं डालना है, इसको हमको थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और इसको अच्छी तरह से आटे को मल लेना है। अच्छी तरह से देखो कितने अच्छे से मल रहे हैं। जितना आप मसलोगे आपका समोसा बहुत अच्छा स्वादिष्ट अच्छा बनेगा। इसको अच्छी तरह से हम मसल लेना। अब इसके अंदर हम कलौंजी थोड़ा सा ऐड कर लेंगे। कलौंजी डालने से हमारा स्वाद भी बढ़ जाता है और खूबसूरत भी दिखता है और जायका भी अच्छा लगता है। और थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा जीरा, ये भी तीनों भी इसके अंदर हम थोड़ा इसके अंदर डाल के मल लेंगे। अच्छी तरह देखो कितनी अच्छी तरह से मल रही हूँ ना। अब इसको अच्छी तरह से मल के हम उसको मुट्ठी से बराबर इसको हम दबा 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 के इसको मसल लेंगे। जितना हो सकता है उतना हम इसको दबा के मसल लेंगे। अच्छी तरह मसल के हो गया। अब इसका बॉल बना के हम रख देंगे। अब हम उसमें ढक्कन डाल के रख, हम इसको आलू को हम अच्छे से नमक डाल के बॉईल कर लिए थी और अब इसको मैं घिस रही हूँ। देखो अच्छे से घिस लेना चाहिए ताकि हमारा कोई भी घाट नहीं रहना चाहिए इसके अंदर, हमारे समोसे के अंदर पट्टी बनाने के टाइम पे। अच्छे से देखो हाथ से मसल लेना। हाथ से पहले से भी मसल सकते हैं लेकिन हम इसको घिसने के बाद में हम मसलते हैं। देखो अभी मैं एक चम्मच इसमें चिल्ली पेस्ट डाल रही हूँ और अखा धनिया जो कुटा हुआ है वो डाल रही हूँ और काला नमक डाल रही हूँ और चाट मसाला डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। थोड़ा सा इसको डाल के मैं अच्छी तरह से मसल लूँगी। एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे इसके अंदर और इसको हाथ की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे। जितना हो सकता उतना अच्छे से आप पूरा मसाला और आलू को अच्छी तरह से मैश कर लीजिए। पूरा 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 अच्छे से मसल लीजिए ताकि एक दूसरे को मसाला एकदम परफेक्ट लग जाए। अभी हम हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इसके बॉल्स बना लेंगे छोटे छोटे। देखो इसको अच्छे से जितना हो सकता है ना उतना टाइट बॉल्स पकड़ना ताकि हमारे को एकदम टाइट रहे कि हमारे समोसे की पट्टी के अंदर से हमारा बॉल्स बाहर नहीं आना चाहिए, एकदम टाइट होना चाहिए। देखो कितने अच्छे से मैं टाइट पकड़ रही हूँ ना, उसी तरह आप टाइट पकड़ लीजिए। इसी तरह मैं सारे बॉल्स बना लूँगी और ऐसे टाइट टाइट बना के रख दूँगी। देखो मैं सारे बॉल्स बना के रख दी हूँ और मैं आटा देखो अच्छे से और एक बार तेल लगा के हाथ में मैं और एक बार इसको अच्छी तरह से मसल लूँगी। देखो कितना अभी तेल लगाऊंगी नीचे, सूखा आटा नहीं लगाना, खाली तेल लगा के इसको अच्छी तरह से बेल लेना है। देखो अच्छे से लंबा बेल लेना। कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मोती के दाने चमक रहे, कलौंजी और अजवाइन के दिख रहा है ना। अब इसको देखो मैं चार भाग में कैसा कटिंग कर रही हूँ देखो आप, एकदम ईजी तरीका बता रही हूँ आपको। इस तरह थोड़ा सा ये मैं मैदा पानी में कला के रखी हूँ, इसके अंदर मैं ऐड करके इसको चिटका दी हूँ। कितना इजी लग रहा देख रहे हो ना, कितना फटाफट बनने वाली चीज़ है। हमको एक एक बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम एक साथ हमारा तख्ता बड़ा हो तो हम उसको एक साथ में चार पांच छह भी बना सकते हैं। मेरा तख्ता छोटा था इसके लिए मैं चार चार बना रही हूँ। आप भी इसी तरह बनाइए, झटपट बन जाता है और बाहर भी नहीं। आप सोचते होंगे कि ये समोसे की पट्टी के अंदर से ये जो आलू जो दिख रहे हैं वो बाहर आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, वैसे ही रहेगा। हमारे को उसके अंदर से नज़र आएगा छोटा छोटा, जैसे आंखें हमारी नज़र आती है ना कुछ चीज़ देखती हुई, वैसी नज़र आएगी। देखो मैंने सारा चीज़ बना दी, तेल मेरा गर्म हो चुका है और मैं एक एक करके उसको फ्राई कर रही हूँ। देखो कितना अच्छा कलर आया देख रहे हो ना, एकदम फर्स्ट क्लास गोल्डन कलर में मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। देखो फर्स्ट क्लास फ्राई हो गया।
दिख रहा है ना कितना यम्मी आलू नजर आ रहा है ना आपको। देखो ये देखो, मैं तल के इसके अंदर चम्मच में मैं निकाल लूँ, इसका ऑयल पूरा निकाल लूँ। अब मैं इसको प्लेट में रख दी हूँ और ये बाकी का भी सारा चीज मैं इसके अंदर फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद आपको बताती हूँ मैं इसको किस तरह खाया जाता है। देखो कितना मस्त और कितना जायकेमंद और लजीज समोसे की पट्टी हमारी बनके तैयार हो गई। आलू समोसा कितना अच्छा लग रहा है ना। ये दूसरा मेरे स्टाइल में ही आलू समोसे की पत्ती है मैं, और इस तरह खाइए और स्वाद बढ़ाइए। शमा किचन को याद करिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं इससे अच्छी अच्छी रेसिपी बनाऊँ। अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ एक अच्छी सी वीडियो में।